हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। आज बात करने वाले हैं आशुतोष कॉलेज, जो अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए एफिलिएट है। आशुतोष कॉलेज की 16 तारीख को फॉर्म फिलअप क्लोज हो चुके हैं और आज है 18 अगस्त। तो आज से आशुतोष कॉलेज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो भी आप देख पाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स आशुतोष कॉलेज में अप्लाई किए हैं। अगर आप इस रिपोर्टिंग को मिस करते हैं तो ये भी आप जान लीजिए कि आप आशुतोष कॉलेज में एडमिशन्स भी नहीं ले पाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सब ये इस वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा। एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा, कैसे आप रैंक चेक करेंगे, किस तरीके से आप सभी की चांसेस बनेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं, तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट ईयर इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग में बहुत ही ज़्यादा फंसे थे और एडमिशन्स भी नहीं हो पाए थे कुछ स्टूडेंट्स की। तो वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए, कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा। तो चैनल पर नए हैं चैनल को करिए सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे कर लीजिएगा प्रेस। इसके बाद आपको एडमिशन्स के दौरान किसी भी हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आशुतोष कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ। यूजी एडमिशन सेशंस 2021 एंड 2022 सेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सारे ही कोर्सेज की जो अवेलेबल है आशुतोष कॉलेज में उनकी इनटेक कैपेसिटी क्या है सभी कोर्स के लिए वो जान लेंगे। तो ये रहे, देख सकते हैं यहाँ पे जो जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं आशुतोष कॉलेज में, कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीबीए के लिए 75, बंगाली के लिए 125, बायट केमिस्ट्री के लिए 60, केमिस्ट्री के लिए 100, इंग्लिश ऑनर्स के लिए यहाँ पे 125। तो ऐसे ही करके यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए कितनी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम सीट इनटेक कैपेसिटी तो जान लिए, इसके बाद यहाँ पे जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप अपना रैंक को जो है वो किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से जो है वो इंटरफ्रेंस खुलकर आएंगे। आप अपना एप्लीकेशंस एंटर कीजिएगा यहाँ पे और शो स्टेटस कीजिएगा। वहाँ आप सभी की नेम, एप्लीकेशन आईडी और आपके रैंक भी आपकी आ जाएंगे कि आपके कितने रैंक हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जो डेट है वो है 18, 19, 20 अगस्त। शाम 4 बजे से पहले आप सभी को रिपोर्टिंग करना है, ये 3 डेज, ठीक है। किस तरीके से आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग लिस्ट रेंज बाय रैंक्स एलिजिबल कैंडिडेट। तो जो जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए, तो जो जो कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हैं देख सकते हैं रैंक वाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी सारे ही यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे भोटानी की मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये आप भोटानी की अगर सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यहाँ के 792 स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई किए हैं, ठीक है। यू आर एस सी एस टी मैं तीनों को कैलकुलेट मैं करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओबीसी भी इंक्लूड है। इसके लिए यहाँ पे मैं जो सीट इनटेक कैपेसिटी आप कितने देखे थे भोटानी के लिए वो आप देखे थे 70, ठीक है। अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि 792 स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे 70 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे आशुतोष कॉलेज में भोटानी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। इसके बाद मैं अगले अगर बात कर लूँ किसी कोर्स की, जैसे मान लीजिए फिजिक्स की, फिजिक्स के भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे एस सी एस टी ओ बी सी की, तो लगभग फिजिक्स में भी यहाँ पे 938 यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई किए हैं। और फिजिक्स की जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे आशुतोष कॉलेज में वो है 100 सीट्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हैं कि 938 से यहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो होंगे 100 ओनली। इसके बाद पॉपुलर कोर्सेज जो बीए ऑनर्स होते हैं इंग्लिश ऑनर्स में, लगभग यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट अप्लाई किए इंग्लिश ऑनर्स में वो यहाँ पे अप्लाई 1000, जो इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई किए यहाँ पे 1066 यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं। और इंग्लिश ऑनर्स के लिए यहाँ पे जो सीट्स हैं आशुतोष कॉलेज में वो हैं 125, तो 125 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे आउट ऑफ दिस, ठीक है। और आखिरी के मैं किसी एक कोर्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे बीबीए में जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले की जो संख्या है वो है यहाँ पे 558 कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, और बीबीए के लिए जो सीट्स हैं वो हैं 70
5, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता दिया कि किस प्रकार से हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग मिस नहीं करना है। सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जितनी रैंक आप अपना चेक कीजिएगा, रैंक को किस तरीके से चेक करेंगे वो मैं आपको बता दिया। इसके बाद जो रैंक यहाँ पे दे दिया गया है UR SC ST OBC के लिए, इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेसेस जो है वो ओपन होकर आएंगे। यहाँ आप अपना स्टूडेंट ID एंटर कीजिएगा, फ़ोन नंबर एंटर कीजिएगा, करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास सारे ही जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। आप अपना एप्लीकेशंस को पूरा अच्छे से चेक कीजिएगा, सब कुछ डिटेल्स अपना चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ ओके है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे फिर जो है फाइनल सबमिट जो है आपको कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो करना है। और एक बात बता दूँ, सभी कैंडिडेट को करना है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे मिस कर दिए हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग को, फिर आप बोलेंगे कि जो ये 3 डेज यहाँ पे दिए हैं 18, 19, 20, इसी डेट में आप सभी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। इसके बाद आप बोलेंगे कि मैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं किया, मेरा मेरिट में नाम नहीं आया, तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको आप जब तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी जो है मेरिट में नाम नहीं आएंगे। जो जो कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट रिपोर्टिंग यहाँ पर 18, 19, 20 अगस्त को आएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो जो कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग किए हैं, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हैं वो कब आएंगे, यहाँ पे 22 अगस्त 11 बजे। इसके बाद एडमिशन्स डेट यहाँ पे आप जो जो कैंडिडेट का फर्स्ट रिपोर्टिंग में यहाँ पे नाम आ गया है वो कैंडिडेट के यहाँ पे जो है एडमिशन्स डेट में एडमिशन्स लेना है, जैसे 22, 23, 24 अगस्त को, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ पे फिर सेकंड मेरिट लिस्ट है 26 को आएंगे 11 बजे, फिर यहाँ पे 26, 27, 28 तक उन कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन्स लेना पड़ेगा। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट है यहाँ पे 30 अगस्त को आएंगे, फिर 30, 31 अगस्त को शाम 4 बजे से पहले यहाँ पे एडमिशन्स जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो फिर से यहाँ पे आशुतोष कॉलेज की तरफ से सेकंड रिपोर्टिंग यहाँ पे किए जाएंगे। अगर सीट वैकेंट रहती है तो जिस कोर्स के लिए सीट वैकेंट रहेंगे, फिर से यहाँ पे जो है सीट वैकेंट की यहाँ पे आपकी आप सभी के सेकंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मैं समझा पाया हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप जो जो कैंडिडेट यहाँ पे आशुतोष कॉलेज में अप्लाई किए हैं, आप अपना रैंक, आप अपना मेरिट पॉइंट और किस कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप सबको बता पाऊँ कि आपको इस कॉलेज में मौका मिलेंगे या नहीं। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन्स या डाउट हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन्स थे, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।